आज हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजाज हियर। आज बड़े किस्मत वाली बात है कि आज मुझे बड़े अरसे बाद इस वाली सीट पे बैठने का मौका मिला, नहीं तो ड्राइव करने की सोचती है। जब से इंग्लैंड में आया हूँ आपकी गाड़ी, पाकिस्तान में तो कोई भी ड्राइव कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पर जब तक उस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है, वो ड्राइव नहीं करेगा। तो आप किसी को ऑफर भी नहीं कर सकते यार मेरी गाड़ी चला ला है। तो ये आज मेरे साथ ये भाई ना, ये इनको से पहले उम्रा मुबारक हो मैं आज पहले बता, मैं बाद में एडिट कर लूँगा। सेंट्रल लंदन जाते हुए एक और बात बताता हूँ, चलो सेंट्रल लंदन जाने के कंजेशन चार्जेस होते हैं 6 o'clock के बाद, वहाँ पे चार्जेस कंजेशन चार्जेस नहीं होते। जो लोग सेंट्रल लंदन जाते हैं, बेसिकली हम ईस्ट लंदन से जा रहे हैं सेंट्रल लंदन की तरफ, जो लोग सेंट्रल लंदन जाते हैं वो 6 बजे से पहले पहले वो £15 वो पे करते हैं वहाँ एंटर होने का कोचिंग। वो देखो ना जाने वाली गल, सूरज आंखों में भी पड़ा। वेल गाइस वी शो यू द जर्नी। अभी रास्ते में खाना शाना तो है, आज मेरी दावत हुई है। मुझे उम्रा किए हुए बड़ा टाइम हो गया पता है आपको, लेकिन मैंने गालियां जो मैं नहीं देता, मैं ऐसे गुनाह नहीं करता, मैं पहले बताऊँ आप ये तेरा कैमरा इसको जस्टिस नहीं करेगा भाई। मैं तुझे दिखाता हूँ इसका, ये बड़ा जो बिल्डिंग है ना, ये दे अभी फटेगी नहीं, तस्वीर साफ हो जाएगी, ये दे फोर पे जाके बिल्कुल साफ होगी। वो दे HSBC की बिल्डिंग दे। दिस इज द वर्स्ट प्लेस, यहाँ पे अगर दाना खासता भाई स्पीडिंग कितनी नजर, ये सबको यहाँ पे पता भाई, ये सारे ब्रेक मारना शुरू करती है वरना तेरे स्पीड का मैंने नजर आ रहा है यहाँ से, ये देख हाँ बिल्कुल नीचे जाओ ना, स्पीड वैसे ही बड़ी होती है दोनों लगे। Browning Street, the Ghostbusters bus tour. अच्छा ये पूरे लंदन के टूर कराते हैं जो जहाँ पे जिन शिन का सारा कुछ हो। गेटअप लैंप लगाए हुए,
जहाँ से चलो वहीं पे पहुँच जाते। जहाँ से मैं ब्लॉग अपने बना रहा था, जो मेरा पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, मैं वहाँ पे पहुँच गया अनइंटेंशनली। लेकिन वी आर एट ट्रफाल्गर स्क्वायर वंस अगेन। इन्ना गंद पाया होता है वो इस सुबह 6 बजे साफ कर लगे आप सड़क। भाई जब हम GCSE कर रहे थे ना दोनों, जब ये आया था गाना, तुझे पता है इस तरह की क्लैरिटी पाकिस्तान में भी मिल जाती है। पे गेस करता हूँ, पिंड वगैरह नहीं होते, हाँ कोई धुआं वो डस्ट होता ही नहीं भाई। दुनिया तो एक ही है ना, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन इतनी है कि भाई वो हमारी विजन पे होता है। तो वो सामने बकिंगम पैलेस गाइस, वो सामने ये आपको लास्ट व्लॉग में मैं लेके आया था। सी डू यू रिमेम्बर दिस प्लेस? ये चले अब हमने यहाँ नहीं जाना, हमने जाना है इधर। ये सामने है नेशनल गैलरी, मेरे पहले व्लॉग में है ये ट्रफाल्गर स्क्वायर। और हम इस रोड में नहीं गए, ये नहीं कि मैं इस रोड पे लेके जाने के लिए आया हूँ। ये कनाडा की एम्बेसी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, जब मैंने ट्रफाल्गर स्क्वायर का जो था व्लॉग कवर किया था। तो ये कनाडा की एम्बेसी है, ये दैट्स द वन। अगर आपको यहाँ से आगे कनाडा जाना हो तो आप कनाडा का वीज़ा लगवा सकते हैं। उसके बाद एक ये भी एम्बेसी है, मुझे नहीं पता कौन सा फ्लैग है, ये वाला। और इस ब्राज़ील, यस ये ब्राज़ीलियन फ्लैग है, ब्राज़ील की एम्बेसी है। और इसके इर्द गिर्द ट्रफाल्गर स्क्वायर के पीछे ये है सारी बिल्डिंग्स। यहाँ पे पहले मैं कभी खुद भी नहीं गया हूँ, ये अल्लाह हसन का भला करे। और ये बंदा ले आया है, ये भी अचानक से हुआ है क्योंकि एक प्लान था हमारा। ओए 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 भाई, ये देख पूरा लाते भाई पीछे, क्योंकि वो क्वीन का वो है ना। हंस रहा था, मुझे कह रहा वही जी है, अपनी जुबान में लगे थे। उन्हें मुझे देख के ऐसे स्माइल दी, मैं कहा आ रहे हैं मजा चीते वीडियो चले आ रहे हैं तेन, तू सुपरस्टार बन जाना एक दिन, क्योंकि सुपरस्टार की वीडियो में आ रहा तू। उच्चिया ने गलत तेरे यार दी, उच्चिया ने गलत तेरे यार। बकिंगम पैलेस के पीछे सारे खड़े हैं, मैंने सुना यहाँ पे सारे लोग ही लोग थे खड़े हुए भाई, भरा हुआ था भाई, बहुत प्लेन्स गुजरे थे, एक भाई ये साफ करें वाइपर मार, क्योंकि जो चीज़ तुझे और मुझे नज़र आ रही है ना वो कैमरे में भी आनी चाहिए। तो ये व्लॉग तुझे खुद देख के मज़ा आया। पाकिस्तान जाए ना कोई 2 साल ली, तेन इंग्लैंड याद आ रहा है, तेन मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगे। He made you fool. He's not coming. व्यू कैसा दिखाया ये देखिए, गंजा नहीं उठे देखो। गाइस नवाज शरीफ वहाँ पे रहता, उस जगह नवाज शरीफ रहता है। ये देखे पता कितनी एक्सपेंसिव है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं एजवे रोड के बिल्कुल, ये साथ एक रोड है एजवे रोड, वहाँ है। मैंने आपको एजवे रोड नहीं दिखाया, एजवे रोड का शायद अभी बन जाए व्लॉग, खाना शाना खाते हैं। आज नॉर्मल वॉक करने के लिए निकले भाई, इससे परमिट होल्ड हो गया। भाई तेरे आराम से निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ गाड़ी थोड़ी इधर करके लगा, थोड़ी सी और साथ लगा ताकि उसका टायर लाइन के अंदर आए। ये देख यहाँ पे गाड़ी भी लगाना एक काम है, की है भाई ऐसे ही निकल, क्योंकि वहाँ पे फिर गाड़ी का टायर बाहर हो जाए। देख रहे हो गाड़ी लगा दी, अब हम एजवे रोड की तरफ चलते हैं।